हेलो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक हम लोग अभी देख रहे हैं ना, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये बेसिकली क्या है ना, ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का मेरा चौथा क्लास होगा। पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में बताएंगे। इस बात को ये समझना है कि एक छोटे से ब्रीफकेस में है ना, बहुत बड़ी रस्सी है तुम्हारे पास, 1 किलोमीटर की लंबी रस्सी है, उसको छोटे से बॉक्स में तुमको पैक करना है। कहने का मतलब यह है कि डीएनए की लंबाई हमारे बॉडी में 2.2 मीटर्स की होती है। कितनी होती है डीएनए की लंबाई हमारे बॉडी में, मतलब ह्यूमन सेल्स में 2.2 मीटर लंबी होती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस 2.2 मीटर लंबे डीएनए को छोटे से सर्कुलर न्यूक्लियस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, छोटे से न्यूक्लियस का साइज कितना है हमारे बॉडी में, जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10^-6 मीटर है। तो 10^-6 मीटर छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, अब ये सोचो ये न्यूक्लियस है और इसमें इतनी बड़ी ये न्यूक्लियस है, तो इसके तुलना में ये तो 200 मीटर लंबा हम दिखा देंगे। तो इतने बड़े डीएनए के थ्रेड को इस छोटे से न्यूक्लियस में रखने को हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए कहते हैं। हम जब कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो याद करो जरा, तुम्हारे पास एक सूटकेस होता होगा या एक कैरी करने वाला बड़ा सा बैग होता होगा, उसमें कितने सारे कपड़े रखते हो, 2, 4, 5 तो पैंट शर्ट हो जाता है, कोट हो जाता है, और उसके बाद हम कह सकते हैं तुम्हारे जितने और तौलिया हो जाते हैं, टॉवल्स हो जाते हैं, बेडशीट हो जाती है ना, और अगर जाड़े का दिन है तो ऊलन कपड़े भी हो जाते हैं। सभी फैमिली के एक छोटे से बॉक्स में हम लोग उसको क्या करते हैं, पैकेजिंग कर देते हैं। समझना ध्यान से बच्चों, यही बात होगी, हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए को जो 2.2 मीटर लंबा है हमारे बॉडी में, कितना लंबा है, 2.2 मीटर लंबा है, इसको छोटे से न्यूक्लियस में कितने बड़े न्यूक्लियस में, तो बोलोगे 10^-6। ये क्वेश्चन तुम्हारे मेडिकल का क्वेश्चन है, इस साल का 2020 का ये क्वेश्चन था, ये था तुम्हारे 2020 का क्वेश्चन इस साल का, कि डीएनए की लंबाई कितनी बड़ी होगी, कैसे निकालेंगे, ये निकालने का प्रोसेस अभी बता रहे हैं आपको हम। तो हम लोग क्या बोलता है कि हमारे बॉडी में 2.2 मीटर लंबे डीएनए को छोटे से न्यूक्लियस, जिसका डायमीटर 10^-6 मीटर है, इसमें हम लोग रखते हैं, इसके अंदर ये प्लेस्ड होता है, इसी प्रोसेस का नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया, 12th का टॉपिक है, नीट का टॉपिक है, नीट में इस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब जो हम लोग टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का जो लेवल हम लोग लेके जा रहे हैं ना, वो नीट से कहीं ज़्यादा होगा हमारा जो लेवल होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, चूँकि एम्स को अब नीट में इंक्लूड कर दिया गया है, कभी भी क्वेश्चंस का रेंज भाग सकता है, किसी भी साल क्वेश्चंस का रेंज भाग सकता है। तो याद रखना, जो भी बच्चे मेरे क्लास को अभी ज्वाइन कर रहे हो, ध्यान से समझना इस बात को कि ये जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसको समझना बहुत ध्यान से, कि छोटे से स्ट्रक्चर में हम लोग बड़े से। अब तुम याद करो, दीपावली के समय तुम लाइट खरीदने जाते हो, झालर खरीदते हो बिजली का, तो क्या होता है, बिजली का छोटा सा पैकेट तुमको मिलता, लाते हो और खोलते हो और पता लगा ये 60 मीटर्स लंबा था, तुम्हारे घर के बाउंड्री वॉल को या तुम्हारे घर के पूरे वॉल को कवर कर लिया। तो ये जो पैकेजिंग था, यही चीज़ों को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट की बात अब करेंगे। पहला कंटेंट है, द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 0.34 एंगस्ट्रम। हमारे बॉडी में जो डीएनए होता है, उनमें हम लोग बताए थे कि नाइट्रोजन बेसिस पाया जाता है, नाइट्रोजन बेसिस के पेयर्स के, दो पेयर के बीच के डिस्टेंस को 0.34 एंगस्ट्रम या 0.34, हम लोग गलती लिखे हैं यहाँ पे, ये होगा 3.4, यस ये सही है, 3.4 एंगस्ट्रम या 0.34 नैनोमीटर होता है, इसका डिस्टेंस कितना होता, समझ में आ गया, नैनोमीटर मतलब समझ में आ गया, 10^-9 मीटर, इतना छोटा होता है। अब आ जाओ,
ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच की जो दूरी थी ये कितनी थी, ये सिर्फ और सिर्फ 3.4 एंगस्ट्रम में अगर हम लोग मेजर करें या अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या बोलेंगे, 0.34 नैनोमीटर, नैनोमीटर ये इसके बीच का डिस्टेंस था। इज इट क्लियर टू यू, पहला पॉइंट क्लियर हो गया तुम लोगों को, अगर हो गया तो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। हमारे सेल्स में, बॉडी में दो तरह के सेल्स होंगे, हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल। जब हम हमारे बॉडी से गैमेट का फॉर्मेशन होगा या एग का फॉर्मेशन होगा तो बोथ एग एंड स्पर्म आर हैप्लॉइड सेल एंड या विथ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो हम लोग हैप्लॉइड शब्द जानते हैं, ये हम लोग इंडिकेट करते हैं एन सेट ऑफ क्रोमोसोम से, ये पहला डिस्टेंस हमको याद रखना है। दूसरा, तो इसमें टोटल जीनोम्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो जीन्स होते हैं 3 बिलियंस होते हैं। हैप्लॉइड सेट में नंबर ऑफ बेस को हम लोग मान लेते हैं कि हैप्लॉइड ह्यूमन जीनोम में 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं, इसीलिए डिप्लॉइड में कितना होगा 2n, तो 2n बराबर 3 बिलियन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 6 बिलियन। तो 6 बिलियन बेस पेयर किसी भी डिप्लॉयड सेल्स में पाए जा रहे हैं, हर एक सेल्स में, ध्यान रखना हमारे बॉडी में तो करोड़ों सेल्स है ना, हर एक सेल्स की बात कर रहे हैं, ईच एंड एवरी सेल्स की बात कर रहे हैं। हेंस लेंथ ऑफ डीएनए इज, अब हम लोग लेंथ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो 6 × 10⁻⁹ बेस पेयर, बिलियन को हम लोग कैसे शो करेंगे 10⁹, तो 6 बिलियन बेस पेयर और इसके बीच का डिस्टेंस कितना था 0.34 × 10⁻⁹ मीटर, यही ना डिस्टेंस बताए थे। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कन्वर्सन होता है वो है 2.2 मीटर, वो कन्वर्सन होके कितना हो गया, तो 2.2 मीटर इज द लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन बीइंग। ये पॉइंट क्लियर हो गया अगर तो हम लोग आगे चलेंगे, कैसे निकाले समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग बेस पेयर देखे कितने हैं, 3 बिलियन बेस पेयर है किसी भी हैप्लॉइड सेल में, उसको डबल कर दिए, 6 बिलियन बेस पेयर हो गए किसी भी डिप्लॉइड सेल में हमारे बॉडी के, और बिलियन की बात कर रहे हैं तो 6 × 10⁹, अब हुआ बिलियन, 10⁹। ये क्लियर हो गया। अब देखो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस था 3.4 एंगस्ट्रम या 3.4 एंगस्ट्रम या 0.34 नैनोमीटर, मींस 10⁻⁹। इन सबको अगर ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो लेंथ कितना निकला, लेंथ निकल गया 2.2 मीटर। ये निकालने का तरीका यही पूछा था इस साल के 2020 के नीट का, ये क्वेश्चन था एकदम, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एनसीईआरटी में है, पूरी एनसीईआरटी से बाहर की है, सभी चीज़ें एनसीईआरटी से ली गई हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई, एक इंफॉर्मेशन है, एस्चेरिशिया कोलाई में 4.6 × 10⁶ ये नंबर होता है बेस पेयर का, चूंकि ये भी एनसीईआरटी में था। अब हम लोग इसके टोटल लेंथ की बात करेंगे अगर डीएनए की, तो ये हो जाएगा 1.36 मिलीमीटर, किसमें, एस्चेरिशिया कोलाई में जो डीएनए का लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा 1.36 मिलीमीटर। आदमी के न्यूक्लियस का साइज क्या है भाई, ह्यूमन बीइंग के न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁶ मीटर, कितना छोटा, समझ में आ गया। ये जो डॉट देख रहे हैं ना, इससे भी छोटा है, ये जो डॉट दिखा है इससे भी छोटा है, किसका साइज, न्यूक्लियस का साइज। न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन बीइंग साइज इज, नाउ वी केम टू नो, ये हो गया 10⁻⁶। यूकैरियोट्स में अब आ जाओ, बेसिक प्रोटीन, अब हम लोग आ जाते हैं एक यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में पहुंच गए। इस डीएनए में क्रोमोसोम की अगर हम लोग बात करें, डीएनए की बात करें, तो कहते हैं प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, एक क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्रोमोसोम में क्या क्या मिला,
हम लोग कहते हैं डीएनए या आरएनए, इनको कह देंगे न्यूक्लिक एसिड। प्लस प्रोटीन होता है, या तो हिस्टोन प्रोटीन हो या नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो। एनएचपी लिखे हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एचपी लिखे हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब जरा प्रोटीन और डीएनए मिलके क्रोमोसोम बना, प्रोटीन और डीएनए मिलके क्या बना, क्रोमोसोम बना। छोटे छोटे माला देख लो, माला हम लोग जो रुद्राक्ष का माला यूज करते हैं, उसमें जो रुद्राक्ष के दाने हैं वो प्रोटीन है, और वो जो रस्सी है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, या तो डीएनए है या आरएनए है। क्या क्या हम लोग बताए, ध्यान से समझना। जो रुद्राक्ष का एक माला गले में लगाते हैं ना, उस माला के जो बीट्स हैं, जो दाने हैं, वो प्रोटीन हैं, और वो जो रस्सी है वो या तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए है या आरएनए है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो हम लोग, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े, गुड। देखो अब आ जाओ, तो प्रोटीन कितने तरह का होगा, हम लोग शुरू करते हैं। यूकैरियोट्स में बेसिक प्रोटीन के बारे में बताना शुरू किया, पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन। अब हम लोग बता रहे हैं प्रोटीन कैसा है भाई, ये तो पॉजिटिव चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एकदम फुल एनर्जी वाला है। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन कैसा होगा? फुल एनर्जी वाला होगा। तुम थक गए, अरे भाई बहुत थक गए, आज तो इतना पढ़ाई किए ना कि थक के चूर हो गए, आए और प्रोटीन शेक बनाए, प्रोटीन का शेक बनाए। आजकल मार्केट में प्रोटीन का पाउडर आता है, दूध में डाले, पानी में डाले, गर्म पानी में डाले और एक ग्लास प्रोटीन का शेक पिए, और थोड़ी देर के बाद उठे, अब मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। मतलब क्या हो गया, तुमको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। कौन? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होगा, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। कैरेक्टर बताते जा रहे हैं, यही सब कैरेक्टर तुम्हारे मेडिकल में पूछे जाएंगे, और तुम्हारा क्वेश्चंस बिल्कुल टारगेटेड होगा। मेरे पढ़ाने का जो कंडीशंस होता है वो ये कि बच्चों को याद हो जाना चाहिए। कैसे हो, ये प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं, मेरा है। कैसे हो, और जब ये याद हो जाएगा तो क्वेश्चंस देखते ही तुमको समझ में आ जाएगा कि आज प्रोटीन का शेक पिए, उसके बाद 6 घंटा पढ़ाई की, इतना पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गए। तो बेसिकली ये कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। कौन? उस प्रोटीन का नाम था हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम था उसका भाई? हिस्टोन प्रोटीन। फिर से बोलो, क्या नाम था उसका? 5 बार बोलो, हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम था उसका? हिस्टोन प्रोटीन। फिर से बोलो, हिस्टोन प्रोटीन। वेरी गुड। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रोटीन है, पहली बात। दूसरी बात, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब सोचो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड के आसपास किसी नेगेटिवली चार्ज वायर को हम रोटेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो तुम्हारा आंसर होगा यस सर, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो या आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड हो, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे कि नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे? तुम्हारा आंसर होगा सर, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के चारों तरफ ये पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के चारों तरफ ये पाए जाएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये समझ में आ गया तुमको? आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ। तो यूकैरियोट्स में बेसिक प्रोटीन की हम लोग बात कर रहे थे। प्रोटीन्स आर हिस्टोन प्रोटीन, हम लोग एचपी लिखते हैं, या नॉन हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन का कैरेक्टर क्या बताया? प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और हिस्टोन जो होता है, ये जो प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन हम लोग जानते हैं एमिनो एसिड के सीक्वेंस को जोड़ देंगे, ये एमिनो एसिड है, 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 जितने भी एमिनो एसिड है सबको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। तो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ सो मेनी टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। और एमिनो एसिड कितने तरह के होते हैं भाई? 20 types ऑफ एमिनो एसिड्स आर देयर। देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग कुछ बातें बता रहे हैं। इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने हैं? ए से जेड तक। तुम बोलोगे सर 26 अल्फाबेट्स हैं ए से जेड तक। लेकिन वर्ड्स कितने बने हुए हैं? थाउजेंड्स, CAT, कैट, ACT, एक्ट। शब्द हजारों बने हुए हैं। कैसे बने हैं?
तो लेटर्स के रीअरेंजमेंट से लेटर को इधर से उधर कर दिए, शब्द नया बन गया, इधर से उधर कर दिए, फिर शब्द नया बन गया, गिनती में उतने ही रह गए। तो एग्जाम्पल दिए सी ए टी कैट, माने भी जानते हो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कैट माने बिल्ली, सी ए टी कैट। इसी को उलट दिए ए सी टी, वही तीनों शब्द हैं, ए सी टी एक्ट कर दिए। तो सीक्वेंस बदलने से क्या बदल गया बच्चों? सीक्वेंस के बदलते ही मीनिंग बदल गई। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक उसी तरह से अमीनो एसिड 20 टाइप के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 टाइप के, ये 20 टाइप अगर सीक्वेंस में है तो एक प्रोटीन बना। 2 वाले को ऊपर कर दो, 2 1 3 4 5 6, अब प्रोटीन दूसरा हो गया क्योंकि सीक्वेंस बदल गया। अब 3 को ऊपर कर दो तो फिर सीक्वेंस बदल गया। तो जंबल्ड करते जाओ हजारों तरह के प्रोटीन बन जाएंगे, किससे? एमिनो एसिड से। तो बेसिकली प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। अब जरा यहां पे देखेंगे, ये जो हिस्टोन प्रोटीन था, एक क्वेश्चन नीट का हो सकता है, इनमें कौन से दो एमिनो एसिड का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है? लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन रटते जाना घर में, 10 बार बोलना लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। जब भी प्रोटीन खाओ, दही खा रहे हैं प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन है, अंडे में प्रोटीन है, और मिल्क में प्रोटीन है, पल्स में दाल खा रहे हैं प्रोटीन है, क्या बोलेंगे? लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। जब ऐसा चीज खाएंगे तो क्या बोलेंगे? लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन खा रहे हैं। ये याद रखने का तरीका हो गया। प्रोटीन्स में, हिस्टोन प्रोटीन में दो एमिनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन का कंटेंट बहुत रिच होता है। हम लोग आ गए हैं इसको समझने के लिए, ये सब बातें बता रहे हैं कि हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन नामक दो एमिनो एसिड का कंटेंट ज्यादा होता है भाई। अब हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन कितने तरह के होते हैं? तो बोलेंगे 5 types of proteins are there, 5 तरह के प्रोटीन हैं। पहले का नाम है H1, हिस्टोन 1, दूसरे का नाम है H2A, और तीसरे का नाम है H2B, चौथे का नाम क्या हो जाएगा? H3, और पांचवें का नाम H4। फिर से सबको अपनी अपनी उंगली निकालो और बोलो हिस्टोन कितने तरह के? बोलना हिस्टोन कांग्रेस के पंजा की तरह 5 तरह के। कौन कौन भाई, कौन कौन 5? तो बोलेंगे H1 एक, H2A, H2B, H3, H4। फिर रिपीट करो, कौन कौन से 5? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। फिर से रिपीट करो, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। अब इसको बंद कर दो, ये 4 में से सभी के दो दो मॉलिक्यूल कंबाइंड किए तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? तो बोलेंगे टोटल 8 मॉलिक्यूल्स हो गए। 1 के 2 मॉलिक्यूल्स, 2A के 2 मॉलिक्यूल्स, 2B के 2 मॉलिक्यूल्स और 3 के 2 मॉलिक्यूल्स सब मिलके कंबाइन कर गए, है ना, सब मिलके कंबाइन कर गए H1 के 2 मॉलिक्यूल्स, 2A के 2 मॉलिक्यूल्स, 2B के 2 मॉलिक्यूल्स और 3 के, तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन कंबाइन टुगेदर टू मेक ए बॉल। एक लड्डू बन गया जिसमें दो दो मॉलिक्यूल ऑफ चारों प्रोटीन थे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन कितने थे? 8 प्रोटीन थे। टोटल नंबर कितने मिले? 8 मिले ना। 2 बोले H1 के 2 मॉलिक्यूल्स, 2A के 2 मॉलिक्यूल्स, 2B के 2 मॉलिक्यूल्स और 3 के 2 मॉलिक्यूल्स। 8 मॉलिक्यूल्स के ये प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन हो गया। हिस्टोन के 4 out of 5, हिस्टोन प्रोटीन आ रहा 5 टाइप, कौन कौन सा टाइप याद हो गया? उनमें से चार क्या कर गए? कंबाइन कर गए। ये चारों कंबाइन करने के बाद, ध्यान से सुनना, ये चारों कंबाइन करने के बाद 8 मॉलिक्यूल्स का एक बॉल बन गया। 8 मॉलिक्यूल्स का एक बॉल बना, इसको ऑक्टामर कहेंगे। ऑक्टा मतलब 8, नैनो मतलब 9, हेप्टा मतलब 7, हेक्सा मतलब 6। ऑक्टा 8 मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से एक बॉल बना, इसको कहेंगे ऑक्टामर। क्या बोल देंगे इसको? ऑक्टा, 8 मर, मर्ज कर गया, 8 मॉलिक्यूल्स मर्ज करके एक बॉल बना दिया, विच इज कॉल्ड ऑक्टामर। ये क्लियर है सबको? तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं।
Five types of histones, H1, H2A, S2B, S3 and H4 are present. पांच तरह के हिस्टोन्स मिल गए. अब आ जाओ, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H1, H2A, 2B and H3, टू मॉलिक्यूल, सभी के दो दो मॉलिक्यूल्स, दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर 8 मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन. और एक बन गया 8 मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन. इस 8 मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन का नाम क्या रखे बच्चों, बताओ? ऑक्टा. 8 बना ना, 8 मॉलिक्यूल्स ना कंबाइन कर रहा है, तो नाम क्या रखेंगे? ऑक्टा मींस 8, मर मतलब मर्ज करना, ऑक्टा मर नाम रख दिए. चलो अब बन गया ऑक्टामर. ऑक्टामर का डायग्राम भी बना दिया. कैसे बना है? अभी तक कोई नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसमें काम नहीं किया. ऑल प्रोटीन्स आर हिस्टोन प्रोटीन्स. तो ये प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? तुमको याद हो चुका होगा, ये जो प्रोटीन है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड. एक मॉलिक्यूल ऑक्टामर का दिख रहा है. अब यहां पे तुमको बहुत सा मॉलिक्यूल दिख रहा है, देखते जाना. ये हम पूरा डीएनए बना दिए. ऑक्टामर 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 ऑक्टामर, और ये इसके बीच में डीएनए इसके ऊपर ऐसे रैप किया, फिर ऐसे रैप किया, फिर ऐसे रैप किया. इस तरह से ये रैप होता जा रहा है, लपेटता जा रहा है, और ये डीएनए स्ट्रक्चर दिख रहा है. देखने से माइक्रोस्कोप में ये बीडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है. कैसा दिख रहा है? बीडेड, छोटे 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 डॉट्स दिख रहे हैं, दाने दिख रहे हैं. बीडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये बीडेड स्ट्रक्चर का दिखना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया. हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया. छोटे छोटे बीड्स का बनना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया. कैसे होंगे, समझ में आ गया? माला के समान. ये जो हम लोग रुद्राक्ष की माला देखते हैं ना, धागा दाना, धागा दाना, ये समझ में आ गया तुमको. अब आ जाओ, वो जो धागा था वो डीएनए है. ये देखो, ये डीएनए का धागा है जो खुद कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज के नेगेटिवली चार्ज. तो बोलेंगे ये तो नेगेटिवली चार्ज होगा, और नेगेटिवली चार्ज ये धागा इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ रैप करना शुरू करेगा. कितना रैप करेगा जरा ये देखते हैं. एक कंप्लीट टर्न लिया और दूसरे का पूरा टर्न नहीं हुआ, 3/4. ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन है. वन कंप्लीट टर्न, एक बॉल ले लो गोल ऐसा, एक पतली सी रस्सी ले लो, उसके चारों तरफ एक बार पूरा लपेटो, वन टर्न. दूसरा का पूरा नहीं होके 3/4 के बाद उसको हटा दो, 3/4 एरिया कवर किया. तो इसी तरह का डीएनए रैप किया एक हिस्टोन के ऑक्टामर के पास, फिर ये आगे बढ़ा, फिर दूसरे डीएनए के दूसरे ऑक्टामर के मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ रैप किया. रैप में कितना टर्न हुआ जरा बताओ तो? वन कंप्लीट टर्न. एंड तो बोलेंगे टू एंड थर्ड पार्ट कंप्लीट, दूसरा नहीं, वन कंप्लीट टर्न, सेकंड का टू एंड थर्ड पार्ट. फिर ये आगे बढ़ा डीएनए का थ्रेड, ये डीएनए का थ्रेड फिर आगे बढ़ा और फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स को रैप अप किया. इस तरह से वो बीडेड स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया जो डीएनए के धागे से जुड़ा हुआ था. इस बीडेड स्ट्रक्चर में बीच वाले को ये जो था ये आके फिर कहीं दूसरे से बनेगा, जुड़ेगा. इस पोर्शन को जो दो ऑक्टामर के बीच में डीएनए होता है उसको बोलते हैं लिंकर. लिंक करने वाला, जोड़ने वाला, दोनों ऑक्टामर को जोड़ने वाले को लिंकर डीएनए कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? लिंकर डीएनए. तो लिंकर डीएनए क्लियर हो गया? अगर हो गया तो बताओ, और नहीं हुआ तो फिर रिपीट कर देंगे हम लोग. कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? ये मेरे पास ऑक्टामर है. ऑक्टामर क्या है भाई? हिस्टोन प्रोटीन है. कितने मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बना है? 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन के जुड़ने से बना है, इसीलिए इसका नाम ऑक्टामर रखे हम लोग. दूसरा पॉइंट क्या जाने हम लोग? चलो आगे बढ़ते हैं. ये नेगेटिवली वायर जिसको डीएनए कह रहे थे, ये रैप अप किया. तो रैप अप में हम बताए कितना टर्न लिया, ये इंपॉर्टेंट था. कितना टर्न लिया जरा बताओ तुम लोग? ये टर्न लिया वन कंप्लीट टर्न. नहीं, कैसा टर्न लिया? ये वन कंप्लीट टर्न, एंड सेकेंड का हम लोग बोले टू थर्ड, है ना. अब आ जाओ इस टर्न में, ये जो टर्न लिया इसमें बेस पेयर होंगे, कितने बेस पेयर होंगे ये क्वेश्चन होता है. नियरली 200 बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं. तो यहां पे ये जितने भी हम लोग दिखा रहे हैं पॉइंट्स को, ये टर्न वन एंड 3/4, मतलब
वन टर्न तो कंप्लीट था, ये जो हम लोग घेर रहे हैं जरा ध्यान से देखना, वन टर्न तो कंप्लीट था और दूसरे का सिर्फ थ्री एंड फोर था, तो टर्न के बारे में जान गए, ये वन और थ्री फोर्थ टर्न हो गया लिखे हैं। दूसरा, ये जो टर्न लिया इसमें कितने बेस पेयर थे, 200 बेस पेयर इस पूरे एक टर्न, दूसरा 2/3 में, दूसरा 2/3 में, तो एक और ये 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए था जो रैप्ड था। अब इस बॉडी को हम लोग एक नया बॉडी बना, हम कह दिए न्यू बॉडी, न्यू का स्पेलिंग एन ई यू नहीं, एन ई डब्ल्यू नहीं, एन यू, न्यू बॉडी। ये जो नया बॉडी बना इसका नाम क्या रख दिए, न्यू बॉडी। ध्यान से सुनो, ये जो नया बॉडी बना ऑक्टामर के जुड़ने से और उसके चारों तरफ ये रैप किया, इसका नाम क्या रखे, न्यू बॉडी। एक न्यू बॉडी में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाएंगे, तो बोलेंगे 200 बेस पेयर। अब ये लिंकर आया, इस लिंकर में भी तो कुछ बेस पेयर होंगे, लिंकर में पाए जाने वाले बेस पेयर 80 बेस पेयर होते हैं, 80 बेस पेयर होते हैं। फिर दूसरा डीएनए आ जाएगा भाई, फिर दूसरा डीएनए आ जाएगा, इससे ये रैप अप करेगा, फिर तीसरा आ जाएगा, इससे रैप अप करेगा। तो ये तू दो तीन इंपॉर्टेंट, ये पैकेजिंग करा रही है, लंबा सा डीएनए का जो रस्सी था, ये जो डीएनए की रस्सी लंबी सी थी ना, उसको जब रैप अप करेंगे तो साइज छोटा होगा कि नहीं होगा, बोलो, छोटा होता चला जाएगा, वेरी गुड। तो ये पॉजिटिवली चार्ज ऑक्टामर के चारों तरफ, नेगेटिवली चार्ज डीएनए कैसा था, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज रैप कर रहा था चारों तरफ, इसको लपेट रहा था, और जो स्ट्रक्चर बना इस स्ट्रक्चर को नाम दिए न्यूक्लियोसोम। क्या नाम दे दिए, तो टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स, है ना, और न्यू बॉडी भी कहते हैं इसको हम लोग। और इसमें क्या क्या बना, अबाउट 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप्ड ओवर न्यू बॉडी, ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसको न्यू बॉडी कहे, इसके ऊपर 200 बेस पेयर थे। डीएनए प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियस, नहीं न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियोसोम या न्यूक्लियोसोम, है ना, ये जो न्यूक्लियोसोम बना ना, एक एक इसको न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं, इसके और इसके बीच में कितने होंगे, तो 80 बेस पेयर होंगे, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो थ्रेड था इसमें 80 होंगे, तो 80 लिंकर, इसको लिंक करने वाला, जोड़ने वाला कह रहे थे, दो दो बेस, दो दो ये हिस्टोन के बीच में जो डीएनए का थ्रेड था इसको जोड़ने वाला, ऐसे समझ लो, ये एक ये न्यू ऑक्टामर, ये डीएनए का लिंकर पोर्शन, ये फिर दूसरा डीएनए, दूसरा हम लोग कह देंगे न्यूक्लियोसोम या हिस्टोन का ऑक्टामर। तो ये जो बीच का पोर्शन था इसको हम लोग लिंकर डीएनए कहेंगे, और इसमें 80 बेस पेयर मिलेगा, इसमें कितना मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 80 बेस पेयर मिल जाएगा। तो चलो इसमें मिल गया 80 बेस पेयर, कहां है भाई 80 बेस पेयर, यहां था 80 बेस पेयर, ये क्लियर हो गया। 200 बेस पेयर रैप्ड ओवर द ऑक्टामर, दूसरे ऑक्टामर तक पहुंचने वाले इस कनेक्टिंग लिंक का नाम लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए में 80 बेस पेयर्स पाए जा रहे थे, और इसको न्यू बॉडी बोले, इसको भी न्यू बॉडी बोले, न्यूक्लियोसोम भी बोले, है ना। अब आ जाओ, द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन गिव्स बीडेड स्ट्रिंग लाइक अपीयर, एक धागे में बीड के समान ये स्ट्रक्चर दिख रहा था, कैसा दिख रहा था, ये बीडेड स्ट्रक्चर दिख रहा था, माला के समान दिख रहा था। तो एक धागा, माला के, माला का दाना हो गया रुद्राक्ष का, फिर धागा, फिर दाना, फिर धागा, फिर दाना, धागा इज डीएनए, दाना इज ऑक्टामर, फिर बताओ, फिर धागा, ये डीएनए, फिर वो बीडेड स्ट्रक्चर ऑक्टामर, लेकिन ये बीचों बीच रुद्राक्ष की तरह नहीं जा रहा था, ये इसको रैप कर रहा था, रैप कर रहा था, रैप कर रहा था, रैप करते करते आगे बढ़ रहा था। तो लंबा सा डीएनए छोटे 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 बीट्स के चारों तरफ होते होते उसकी लंबाई कुछ कम हो गई, तो द न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइल, ये बन गया बीडेड स्ट्रक्चर, और यही फिर कॉइलिंग करके क्रोमोसोम बनाता है, कैसे ये देखना। अब चलो वो लाइट के बारे में हम लोग दिखाते हैं, एक हम लोग चलो एक देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं आपको और अच्छे से समझाने का। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, चलो
कोई बात नहीं, लाइट थोड़ा ऑफ होगा बट हम आपको समझा पाएंगे अच्छे से समझा पाएंगे। यस, तो देखो इससे हम समझा रहे हैं कि ये मान लो यहाँ पे एक दाना है, यहाँ पे एक दाना है, यहाँ पे एक दाना है, यहाँ पे एक दाना, किसका? हिस्टोन का, और ये डीएनए का थ्रेड है। तो एक वन बीट, सेकेंड बीट, थर्ड बीट, फोर्थ बीट, फाइव सिक्स सेवन एट, एट को फर्स्ट की जगह कर दो तो छोटा हो गया, फिर 16 को फर्स्ट की जगह कर दो छोटा हो गया, फिर 32 वाले को फर्स्ट की जगह कर दो तो ये कॉइलिंग हो गई। अब ये कॉइलिंग से बड़े से डीएनए को छोटे से कॉइल में कन्वर्ट कर दिए, अब फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ को फर्स्ट की जगह पे कर दो तो और छोटा हो गया। इस तरह से ये कॉइलिंग होना शुरू हो गई। इसी कॉइलिंग को हम लोग एक स्टेज में दिखाएं। फर्स्ट कॉइलिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो 30 नैनोमीटर का होता है, हम इसको सोलेनॉइड कहते हैं। ये जो पहली कॉइलिंग होने के बाद जो पहला स्ट्रक्चर बना तो ये सोलेनॉइड, ये मान लो इतना बड़ा है, तो सोलेनॉइड और कंडेंस होगा तो अब उसको बोलेंगे सुपर सोलेनॉइड, और ये 300 नैनोमीटर, देखते जाओ बढ़ता जा रहा है, मतलब ये कंडेंस हो रहा है ना। तो 30 नैनोमीटर कौन? जब पहला थ्रेड दिख रहा था, अब इसमें और कंडेंसेशन हुआ तो पहले मॉडल को बोले सोलेनॉइड, ऐसे याद रखना, बोले सॉलिड है, अरे क्या कॉइलिंग किया तुम, सॉलिड है, नहीं तो बोल दिए सॉलिड है, सोलेनॉइड। और कोई छोटा सा कॉइलिंग कर दिया, बोले अरे सुपर सॉलिड, सुपर सॉलिड, तो क्या बोल देंगे भाई, सुपर सोलेनॉइड। अब और कॉइलिंग कर दिया तो सीधा सीधा क्रोमेटिड्स बन गया 700 नैनोमीटर का क्या बन गया, क्रोमेटिड बन गया। और हम जानते हैं क्रोमेटिड्स तो दो थ्रेड होते हैं, क्रोमोसोम के दो थ्रेड्स होते हैं ना, ऐसे करके, तो ये दिखा रहे हैं एक थ्रेड ये क्रोमेटिड एक ये। तो अब जब क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बढ़ेगा तो फिर ये दिखाएंगे क्या हो जाएगा, 1400 ये क्रोमेटिड दिखाए, और फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड से 1400 नैनोमीटर कंडेंसेशन के साथ ही बन जाता है फाइनल तुम्हारा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को खोलते जाएंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। इसके कंडेंसेशन से ये क्या था, ऑक्टमर, ये क्या था, डीएनए। ऑक्टमर के ऊपर क्या था, डीएनए, बीच वाले डीएनए का नाम क्या रखे, लिंकर। ऑक्टमर के ऊपर जो था टर्न कितना था, 1 2/3, नहीं पूरा दो कंप्लीट टर्न नहीं हुआ था, और एक एक के ऊपर जो टर्न था उसमें कितने बेस पेयर थे, 200। लिंकर डीएनए में कितने बेस पेयर थे, 80, और एक एक के ऑक्टमर के ऊपर रैप्ड बॉडी का नाम क्या क्या रखे, न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडी। और ये बीडेड स्ट्रक्चर दिख रहा था, और ये जब कंडेंस हुआ पहले कंडेंसेशन का नाम क्या रखे, सोलेनॉइड, कितने नैनोमीटर का, 30 नैनोमीटर का। अब ये और कंडेंस हुआ क्या नाम रखे, सुपर सॉलिड, सुपर सोलेनॉइड, नाम याद करने का तरीका। और ये 30 था, इसमें एक और जीरो बढ़ा है, 300 नैनोमीटर, और कंडेंसेशन हो गया, क्रोमेटिड थ्रेड बन गया 700 नैनोमीटर, और कंडेंसेशन हो गया, क्रोमोसोम हो गया 1400 नैनोमीटर। यहां तक समझ में आ गया? तो डीएनए का पैकेजिंग आपको समझ में आ गया, डीएनए की पूरी पैकेजिंग समझ में आ गई, लेकिन पूरे में कहीं भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन की कहानी नहीं बताए, कहीं बताए नहीं बताए। तो क्या नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं था, था नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी था। तो लास्ट लाइन देखना, द पैकेजिंग ऑफ डीएनए एट हायर लेवल रिक्वायर्ड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब अगर और भी कंडेंसेशन की जरूरत पड़ेगी, द पैकेजिंग ऑफ डीएनए एट हायर लेवल, इससे भी ज्यादा अगर हमको कंडेंसेशन की जरूरत पड़ेगी उस समय हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन को यूज करेंगे। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन का यूज कब होगा ये भी हम लोग जान गए, एट एन एक्स्ट्रा लेवल, जब हमको ज्यादा कंडेंसेशन की जरूरत पड़ेगी, व्हेन पैकेजिंग ऑफ डीएनए एट हायर लेवल की जरूरत होगी, एट द टाइम वी रिक्वायर्ड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये तुम्हारा बच्चों खत्म हो गया पैकेजिंग ऑफ डीएनए। कैसा लगा, मजा आ गया, एक पिक्चर की तरह हम लोग इसको देखे है ना, मजा आ गया होगा। तो मेरे क्लास में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि तुम्हें सारी चीज़ें, जितना पोर्शन मैं पढ़ा दूं उतने पोर्शन के तुम नीट के मास्टर हो जाओ, है ना। और अगर कोई बोर्ड दे रहे हो तो बोर्ड तो ऐसा हो कि जेब से निकाले और
आइसक्रीम खा ली पैसा लेके, इतना इजी हो जाए, नहीं जेब में रखे हुए थे कैडबरीज निकाले और खा गए, इतना मज़ा आया। ऐसा ही मज़ा आना चाहिए। अगर मज़ा आ रहा है तो महज सर से पढ़ने का यही मज़ा है। अगर महज सर से पढ़ रहे हैं भाई तो मज़ा आना चाहिए, और मज़ा नहीं आया तो महज सर से क्यों पढ़ेंगे, बहुत से सर हैं। तो ये मेरा अपना टारगेट होता है, मेरे क्लास में बच्चों को मज़ा आना चाहिए, राइट। तो चलो अब हम लोग इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके बाद वाला इसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन होगा, और अब जो क्लास होगा वो फिफ्थ क्लास होगा। थैंक यू, थैंक यू।